आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी ऑलरेडी डेढ़ बजने जा रहा है, आज संडे है, महर का वीक ऑफ है क्योंकि उसका वीक ऑफ पिछले हफ्ता से चेंज हो गया है। तो बेसिकली उसका पहले दूसरा दिन था, अभी संडे को वीक ऑफ कर दिया गया है। सो बहुत दिन बाद हम लोग एक साथ निकल रहे हैं। प्लानिंग था हम लोग पहले सिटी सेंटर 2 जाएंगे, लेकिन सडनली उसका मॉम का सुबह कॉल आया एंड उसका मामा आया है पंजाब से। सो होपफुली वहाँ पे आज हम लोग लंच करेंगे एंड अभी पहले हम महर का घर जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग शाम को अगर टाइम हुआ तो हम लोग सिटी सेंटर की तरफ जाएंगे। सो होपफुली आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो देखते रहिए। हम लोग अभी निकल गए हैं एंड महर बाइक निकल रहा है, सो चलिए चलते हैं। क्या ऐसे पढ़ाते के लिए আমি পড়াতে এসেছি বাড়ি থেকে। কোথায় যাচ্ছিস? লাঞ্চ ডেট সর্টেড হো গিয়া? কি ফায়দা হয়া ফির এনা সিয়াপা কিতা তুসি হয়া কি ফির ফাইনাল ম্যাচ তো মেয়ে দেখাই নি, তু তো মিস কর গিয়া। মিস কর গিয়া না মানে चंगा मैं चल दिया हूँ, लेट हो गया। बाय बाय, हैव एंजॉय। पॉल्यूशन से बचने के लिए महर सिंह अपना फेस को कवर कर रहा है। एंड यहाँ पे मम्मी जी अपने हाथ का फ्राइड राइस, कबली चना का सब्जी, रायता, सलाद एंड खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड और एक डिश भी है यहाँ पे, मेथी आलू गाजर मटर देके एक तो सब्जी बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। तो मैं सिर्फ राइस ही खाया एंड यहाँ पे गुड़िया महर के फेस के ऊपर चम्मच देके कुछ कर रहा था, मज़ाक कर रहा था उसके साथ एंड मेरे साथ भी कर रहा था। एंड देखते देखते 4:30 बज गया एंड यहाँ पे मम्मी चनाचूर मिठाई चाय वगैरह लेके आ गई। बोलते हैं कि पंजाबियों का घर पे खाना हजम करवाने के लिए चाय पीना पीता है। सो हम लोग चाय पिए एंड चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा एकदम कड़क चाय था एकदम। सो इसके बाद हम लोग यहाँ से करीबन 5 बजे निकल गए। 5 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग महर का घर से निकल के जा रहे हैं सीसीटी की तरफ। एंड अभी तक तो दोपहर का खाना ठीक से हजम नहीं हुआ क्योंकि बहुत हेवी था खाना एंड बहुत कुछ था खाने में। सो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। एंड यहाँ पे देखते देखते हम लोग चिनार पार्क के सामने आ गए हैं। यहाँ पे मेट्रो होगा तो उसी का लाइन बना हुआ है एंड हम लोग यहाँ पे CC2 ऑलरेडी पहुँच गए हैं। एंड बहुत दिन बाद हम लोग आया यहाँ पे। सो संडे का दिन था, बहुत भीड़ भी था, बहुत क्राउड भी था क्योंकि सब कोई अपना फैमिली के साथ यूजुअली मॉल पे शॉपिंग करने आता है। सो बहुत भीड़ था एंड यहाँ से हम लोग साइड से जाके गाड़ी पार्क करके उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। एंड यहाँ पे ये जो स्टैचू रखा हुआ है, मैं महर को बोल रही थी कि कितने साल से ये लोग लटक रहे हैं, कोई ये लोग को उतर ही नहीं रहा है। एंड वहाँ पे भी 2 स्टैचू है जो कि बहुत जॉयफुल है, वो लोग को भी कोई नहीं उतर रहा है। सो मैं ऐसे ही महर को मजाक से बोल रही थी। एंड यहाँ से हम लोग फिर गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे एंड अंदर जाने के टाइम यहाँ पे चेकिंग होता है। सो हम लोग आ गए और कितना साल बाद आए यहाँ पे? कितना साल मतलब? 1 महीना पहले तो आया था। तुम आए थे? मैं तो नहीं आया, मुझे तो लेके नहीं आया, हमारे साथ ही 1 महीना पहले। मुझे तो फिलहाल याद नहीं है। लास्ट टाइम कब आए थे, बट अकॉर्डिंग टू महर वो बोल रहा था कि वो
दिन पहले ही आया था, आप बता दें। यहाँ पे SBI कार्ड से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मेहर को अप्रोच कर रहा था ये बंदा, एंड मेहर का ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है ही, सो मे बी वो कार्ड रिलेटेड कुछ बात कर रहा था उसके साथ। तो मैं वहाँ से चली गई मैक्स पे समर कलेक्शन देखने के लिए, बट मुझे उतना खास नहीं लगा प्राइस के हिसाब से। सो यहाँ पे कुछ देर मैं कलेक्शन देखने के बाद फिर मेहर आया एंड हम लोग कुछ देर वहाँ पे अंदर पे देखे कलेक्शन, एंड फिर हम लोग वहाँ से निकल के सामने ही एक तो नया स्टोर ओपन हुआ था जहाँ पे मैं और भी सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, वहाँ पे मैं गई कुछ शॉपिंग करने के लिए, बट मैं जो लेने गई वहाँ पे मुझे वो मिला नहीं। फिर वहाँ से हम लोग गए मेट्रो, वहाँ पे थोड़ा शूज़ का कलेक्शन देखा एंड हम लोग वहाँ से फिर निकल गए, एंड निकल के हम लोग गए सवरमा निशन पे। बहुत दिन से क्रेविंग हो रहा था सवरमा का एंड टाइम भी नहीं मिल रहा था निकलने का, सो हम लोग आ गए यहाँ पे सवरमा निशन पे, एंड यहाँ से हम लोग सवरमा रोल ऑर्डर किए हैं। एंड यहाँ पे मेहर उसका सडनली शोल्डर पेन स्टार्ट हो गया, मे बी बहुत देर से बाइक चला रहा था या फिर होता है ना अचानक से पेन, तो उसका वो हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, यहाँ से हम लोग रोल पैक करवा लिए क्योंकि हम लोग का पेट भी भरा हुआ था, फुल थे हम लोग एकदम। तो हम लोग चले गए वहाँ से निकल के फैशन फैक्ट्री, यहाँ पे बाय वन गेट टू फ्री चल रहा था, 50% ऑफर चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे समर कलेक्शन देखने चले गए। एंड मेहर भी गया था लेकिन उसको उतना पसंद नहीं आया प्राइस के हिसाब से, तो मैं यहाँ से चारठो टॉप उठाया, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं एक तो टॉप पहन के ट्रायल भी किया, ये गर्मी में पहनने के लिए बहुत बहुत कंफर्टेबल था, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था। मेहर यहाँ पे बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था, गाड़ी आगे निकल जाएगा, अजीब इंसान है। मैं बैठू या ना बैठू, मजाक कर रहे हो क्या? ज़्यादा इसका कलेक्शन अच्छा है, तो मैंने तो समर कलेक्शन से 400 टॉप उठा लिया क्योंकि सामने गर्मी आ रहा है तो काम वाम पे निकलने के टाइम लगेगा इसीलिए। एंड अभी हम लोग घर के तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज के लिए इतना ही बहुत हो गया हम लोग का घूमना फिरना। सो कल मैंने एक तो सोप ख़रीदा था जिसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एंड मैंने एक तो परफ्यूम भी ख़रीदा, एक बॉडी स्प्रे ख़रीदा, एंड इसका भी स्मेल बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। एंड फैशन फैक्ट्री से चार तो मैंने टीज़ ख़रीदा, उसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड मैं वही दिखा रही थी। तो चलिए देरी ना करके सवरमा को अनरैप करते हैं। ख़ास करके इस रोल का एक खासियत है क्योंकि ये रोल एकदम फुल ऑफ चीज़ एंड चिकन दिया हुआ रहता है, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एंड मेहर वही कर रहा था, बहुत सुकून से बहुत प्यार से खा रहा था एंड बहुत टेस्टी भी था। एंड इसके साथ एक हरा रंग का ना चटनी देता है, वो चटनी के साथ तो ये रोल का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो होपफुली आज का व्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगे। थैंक यू।